हेलो दोस्तों, आज 8 सितंबर है और अभी रेलवे के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हमको मिले हैं वो सब मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर 2021 से आया है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन UAE और ओमान में हुआ था। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए कि इसका विजेता कौन था। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया था, 8 विकेट से जीता था, और इसका उप विजेता न्यूजीलैंड था। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था, बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाया था। और अगर पूछेगा कि वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और उप विजेता भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2022 से भी क्वेश्चन आया था कि किसने जीता था। तो इसमें गुजरात टाइम्स ने जीता है, पहली बार गुजरात टाइम्स ने IPL 2022 जीता है। और इसका उप विजेता देखिए तो राजस्थान रॉयल्स है। और इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऑरेंज कप किसको मिला है। ऑरेंज कप किस में मिलता है, जो कि सर्वाधिक रन बनाते हैं उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। तो ऑरेंज कप IPL 2022 में किसको मिला है, जोस बटलर को मिला है। और पर्पल कप किसको मिला है, जो कि सर्वाधिक विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कप मिला जाता है। तो युजवेंद्र चहल को पर्पल कप मिला है। और अगर पूछेगा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जोस बटलर हैं, जिनको ऑरेंज कप भी मिला था सर्वाधिक रन लेने के लिए। और अगर आप लोग से पूछ देगा कि IPL 2021 के विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है। तो आप लोग जो करेंट अफेयर का पुरस्कार सम्मान और खेल से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं आप लोग देख के जाइएगा एक बार से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए रोलेक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट को आप लोग भी जानते होंगे कि काला कानून कहा जाता था, जिसमें बिना अपील बिना दलील के सीधे किसी पे अगर शक भी हो जाता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद ही आपका असहयोग आंदोलन भी हुआ था 1922 में, और महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये आप लोग भी जान रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन इससे आया था। नेक्स्ट देखिए, संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो ये सामवेद में है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, 1950 में गणतंत्र दिवस में कौन सा देश के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य अतिथि थे। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री उस समय सुकर्णी थे, उसी वही 1950 में हम लोग के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट नदी से भी क्वेश्चन आया है, देखिए गंगोत्री नदी से कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यमुना नदी की बात करें तो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए झील से भी पूछा कि उल्का पिंड से कौन सा झील का निर्माण हुआ है, तो ये लोनार झील का निर्माण हुआ है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है, तो वो सांभर झील है। और मीठे पानी की, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है, तो बुल्लर झील है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, और झील से भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल से कि आर्टिकल 148 का संबंध किससे है, तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। और आर्टिकल 51A इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन दे दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 112 भी पूछा था कि, तो आर्टिकल 112 क्या है,
राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आर्टिकल 112 बजट से है, जो कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष बजट पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग को दिया होगा, लेकिन कौन कौन से उत्सर्जन अंग है वो आप लोग देख लीजिए। वृक्क उत्सर्जन अंग में आता है, त्वचा उत्सर्जन अंग में आता है, यकृत उत्सर्जन अंग होता है और फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग होता है। तो इससे जो कोई अलग होगा उसको आप लोग राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर से पूछा था कि विद्युत मोटर में कौन सा चुंबक का प्रयोग होता है। और उसके बाद देखिए, तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा था, तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव किया था और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले से रिलेटेड है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया से भी क्वेश्चन आए थे, तो यह क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आए थे। अम्ल क्षार से आया था, पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन आप लोग को आया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार से। अम्ल क्षार को टॉपिक को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट अब देख लीजिए, फिजिक्स से तो इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल दो गो क्वेश्चन आया था। तो कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। V इक्वल टू आई आर होता है, P इक्वल टू V गुना I होता है। लेंस से भी एक क्वेश्चन आया था, दर्पण से दो क्वेश्चन आया था जिसको मैं U दिया हुआ था, V दिया हुआ था और F निकालना था। देखिए अम्ल क्षार लवण से भी क्वेश्चन आ रहा है, हम आपको पहले ही बोले कि अम्ल क्षार वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आया था कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान में क्या चेंजिंग होता है, परमाणु संख्या क्या अति होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए धातु अधातु से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आए थे, चुंबकीय प्रभाव से भी एक क्वेश्चन आया था। अब मैथ की बात करें तो मैथ में एच से दो क्वेश्चन आया था, एक्स वाई के मान निकालने के लिए भी आया था, अनुपात समानुपात से दो क्वेश्चन आया था और सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास से मिलाकर दो क्वेश्चन आया था। बहुलक से क्वेश्चन आया था, मीन मीडियन मोड से और ट्रिगोनमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, SI CI से भी क्वेश्चन आया था, गोले का आयतन और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, द्विघात समीकरण से आ रहे हैं जिसमें के निकालना था। अब जानते हैं D बराबर क्या होता है, B² - 4AC, इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आए थे कि एक वस्तु को 28% अधिक मूल पर अंकित किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक्यूरेट क्वेश्चन तो मुझे इसका मैथ का नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा जो जो टॉपिक्स है क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा था, तो ट्रेन से एक क्वेश्चन आया था, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क से इजी ही सिर्फ क्वेश्चन था और DI से दो क्वेश्चन था। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन आया था, सीरीज से दो क्वेश्चन आया था, सेलोलिज्म से एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट एजम्पशन से क्वेश्चन एक एक करके आया था, वेन डायग्राम से दो क्वेश्चन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आया था, पजल में आया था कि 6 दोस्तों को लंबाई से रिलेटेड, और इसी तरह से क्वेश्चन आए थे। और कुछ 7% ऊपर की ओर बैठे हैं, जैसे ये रहता है कि कुछ पर्सन ऊपर की ओर बैठे हैं और टोटल दिया हुआ रहता है, तो नीचे से उसको ज्ञात करना रहता है, तो ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ये सब तो क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन एक बार से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।